आज हमारे पास है दो स्मार्ट वॉच नॉइस के HRX स्प्रिंट एंड कलर फिट स्पार्क। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस में अवेलेबल है, 100 रुपीज का डिफरेंस है। HRX स्प्रिंट मिलता है 2000 रुपए में, 2100 रुपए प्राइस है नॉइस की कलर फिट स्पार्क का। एंड आज हम इन दोनों के अंदर करने वाले क्विक कंपेरिजन। अगर आप HRX स्प्रिंट लेने के लिए सोच रहे हो तो भाई एक बार देख लेना, 100 रुपए में कुछ ज्यादा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भाई दोनों ही आता है ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ, देखने में कुछ इस तरीके का है, बट जो बिग डिफरेंस है वो है डिस्प्ले का। जहां पर नॉइस की HRX स्प्रिंट पे आपको मिलता है 1.91 इंच का डिस्प्ले, कलर फिट स्पार्क पे मिलता है आपको 2 इंच का मैसिव डिस्प्ले। भाई डिस्प्ले थोड़ा सा बिग है एंड 550 निट्स का यहाँ पर ब्राइटनेस मिलता है, आप आउटडोर में भी अच्छे का सही से यूज कर सकते हो। दोनों में ही HD डिस्प्ले मिलता है। एंड और एक जो हार्डवेयर का मेजर डिफरेंस है वो है रोटेटिंग क्राउन का, जहां पर स्पार्क में आपको फंक्शनल रोटेटिंग क्राउन मिलता है। इससे आप वॉच फेस चेंज कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, जो कि HRX स्प्रिंट में नहीं मिलता है। फिक्स्ड क्राउन है, इसे आप प्रेस करके स्क्रीन टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो, बैक कर सकते हो, बट यहां पर मिलता है। So, 100 रुपीस में फंक्शनल रोटेटिंग क्राउन मिलना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। अगेन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई HRX स्प्रिंट से ज्यादा मेरे को स्पार्क का बिल्ड क्वालिटी लगा। दोनों का ही साइड का जो बिल्ड है मेटल की है, बट अगर बैक अगर देखो तो यहाँ पर ग्लॉसी ग्लास टाइप का बैक दिया गया है स्पार्क में, जहां पर HRX स्प्रिंट में पूरा ही प्लास्टिक जैसा बैक है। एंड और एक जो डिफरेंस है वो है भाई चार्जिंग का। कलर फिट स्पार्क में भाई वायरलेस चार्जिंग मिलता है एंड कुछ इस तरीके का चार्जिंग केबल के साथ आता है, चार्जिंग डॉक मिलता है। एंड केबल के साइज भी देख सकते हो काफी अच्छा खासा। अनदर साइड है USB, सो इसे आप किसी भी पावर बैंक पे इंसर्ट कर सकते हो या फिर कोई मोबाइल चार्जर से भी आप चार्ज कर सकते हो। सो ये काफी कूल है। एंड HRX स्प्रिंट आता है रेगुलर पोगो पिन चार्जिंग के साथ, ये मैग्नेटिकली पीछे अटैच हो जाता है एंड यहाँ पर भी USB है। सो ये मेरे को भाई काफी सही लगा। इन दिस प्राइस रेंज भाई वायरलेस चार्जिंग भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। बाकी भाई सॉफ्टवेयर के हिसाब से दोनों ही सेम है, दोनों में ही आपको कैलकुलेटर, गेम्स, AI, वॉइस असिस्टेंट जैसा फीचर्स मिल जाता है। दोनों से ही आप हार्ट रेट, SpO2 मेजर कर सकते हो, स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हो, स्टेप काउंट कर सकते हो एंड ऑल्सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। एंड दोनों का स्टेप काउंट देख सकते हो 198 एंड 194, हालांकि दोनों ही एक्यूरेट नहीं है। मैंने 200 से ज्यादा ही स्टेप लिया था, थोड़ा कम काउंट किया है एंड एक्यूरेट होता भी नहीं है। कभी कभी हैंड मूवमेंट भी ये काउंट कर लेता है, अगर आप एक जगह स्टील खड़े हो फिर भी आपको काउंट दिखाएगा। अगर देखा जाए तो आपको 70-80% स्टेप काउंट का एक्यूरेसी देखने के लिए मिलेगा दोनों ही स्मार्ट वॉच में। इसके अलावा काफी सारे वर्कआउट मोड दिए गए, ओवर 100+। आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो उसका डिटेल डेटा ट्रैक कर सकते हो, लाइक कितने कैलोरीज आपने बर्न किए, कितने डिस्टेंस चलो, क्या हार्ट रेट था, ये सारी चीजें। एंड ये सारी चीजें ऐप के साथ भी सिंक होता है एंड ऐप है इसका नॉइस फिट ऐप। दोनों स्मार्ट वॉच नॉइस फिट एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है एंड सॉफ्टवेयर एंड एक्यूरेसी में कोई भी ऐसा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। हार्ट रेट देख सकते हो दोनों का 94 BPM यहाँ पर भी हो रहा है, 92 करीब है एंड यहाँ पर 95 BPM, सो ऑलमोस्ट सारे का ही सिमिलर है। SpO2 99 एंड यहाँ भी हो रहा है 98, क्लोज डेटा है। और एक चीज मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्पार्क में आप हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन एंड स्ट्रेस भी मेजर कर सकते हो, बट HRX स्प्रिंट में आप सिर्फ एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्लीप एंड ब्लड ऑक्सीजन मेजर कर सकते हो। इसमें आप स्ट्रेस नहीं मेजर कर पाओगे, बट इस पे आप स्ट्रेस भी मेजर कर पाओगे। अभी स्ट्रेस हो रहा है 32, आई डोंट नो कितना एक्यूरेट है, बट यहाँ पर लिख रहा है नॉर्मल। ब्लूटूथ कॉलिंग है, स्पीकर के भी क्वालिटी काफी अच्छा है, कॉलिंग वगैरह दोनों में ही मेरे को सेम मिला, माइक्रोफोन का भी क्वालिटी अच्छा है, कॉलिंग वॉलिंग बढ़िया से हो जाता है। मैं कॉलिंग डिटेल में टेस्टिंग कर रखी है मेरे फुल वीडियो में, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। बाकी दोनों में ही IP67 का रेटिंग है एंड दोनों का ही बैटरी बैकअप सेम है। अगर कॉलिंग के साथ यूज कर रहे हो तो यूजुअली 2 से 3 दिन बैटरी बैकअप मिलता है, विदाउट कॉलिंग भाई 7 दिन तक चल जाएगा। ओके, सो ये था क्विक कंपैरिजन बिटवीन HRX स्प्रिंट एंड कलर फिट स्पार्क। सो आई थिंक अगर आपके बजट 2000 के आसपास है तो डेफिनेटली गो फॉर कलर फिट स्पार्क। एंड अगर आपको इन दोनों स्मार्ट वॉच का डिटेल रिव्यू चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। आज के लिए तो इतना ही, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।